इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत ही अहम मौजू तो है ही, तवील गुफ्तगू भी कह सकते हैं, लम्हे फिक्र भी, मुस्लिम माशरे को लेकर। कभी कभी कुछ अजीब लगता है कि लोग पुरानी बातों को याद करके आज की सियासत पर अपनी राय पेश करते। सियासी अख्तदार का एक दौर होता है, कभी कांग्रेस का भी हुआ करता था, जब भाजपा सिर्फ एक या दो सीटें हासिल करती थी। पहले से ही भाजपा का हिंदुत्ववादी एजेंडा रहा, तभी तो भाजपा से ही जीत कराई भोपाल के रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिसका मालेगांव बम धमाके में नाम था, कई सालों से जेल में भी रहना पड़ा। जीत कर ऐवान में गई तो गोड से जिंदाबाद के नारे लगाए। कहने का मतलब इनकी अलग विचारधारा है, जिस पर आज भी अपना रुख साफ रखा हुआ है। आज मोदी हुकूमत ने अक्सरियत से जीत हासिल की है और अपने हिसाब से कानूनों को मंजूर भी कर रही है। वैसे भारत की सियासत मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती रहती, पर अब जब किसान भी एहतजाज कर रहे हैं, सैकड़ों तो एहतजाज की जगह पर ही मर गए, लेकिन मोदी हुकूमत अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं। अब कांग्रेस को अपनी कई गलतियों का एहसास भी हो रहा होगा, पर वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता, वो आगे दौड़ता रहता है। जब तुम्हें वक्त मिला था तब तुमने कितना इसका फायदा उठाया या इसका इस्तेमाल किया, इस पर सिर्फ जायजा ही लिया जा सकता है या तो फिर सोच फिक्र की जा सकती है, क्योंकि वक्त अब भाजपा के अख्तियार में। कांग्रेस को आवाम की हिमायत तवील अरसे तक हासिल होती रही। कांग्रेस अपने आप को हमेशा सेक्युलर कहती आई, पर मुसलमानों दलितों पर जुल्म ज्यादती कांग्रेस या दिगर पार्टियों के दौर में भी हुआ करता था। कांग्रेस का तवील दौर रहा है, इख्तदार के नशे में कई सारी गलतियां कांग्रेस के दौर में भी हुई। यकीनन सभी सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को बतौर वोट बैंक ही इस्तेमाल किया हुआ है, और हो सकता है कि आज की मुसलमानों की सियासी तस्वीर की वजह भी यही हो सकती है। लेकिन जब पहले कुछ गलतियां हो चुकी हैं तो इसका एहसास और गलतियों को सुधारना दोनों बातों पर गौर करने की जरूरत है। गलतियों को सुधारने के बजाय फिर से गलतियां दोहराना हिमाकत होगी। लिहाजा आज जिस कदर मुस्लिम माशरे को अलग थलग करने की मुकम्मल कोशिश जारी है, तो मुस्लिम माशरे को भी बड़े संजीदगी से मुख्तलिफ महाज पर बड़े ही सूझबूझ से काम लेना होगा। सबसे पहले हर हाल में इस देश के संविधान यानी आईन हिंद के तहफ्फुज के लिए जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि अब तो इस देश के आईन को ही तब्दील करने की साजिशें रची जा रही है। उमूमन मुस्लिम माशरे में यह बात कहते देखा जाता है कि कांग्रेस, सपा, बसपा, जेडीयू, जेडीएस और भी दिगर पार्टियां सिर्फ मुसलमानों को बतौर वोट बैंक इस्तेमाल किया, और यह सच भी है। इसे मान भी लेना चाहिए कि सभी पार्टियों ने मुस्लिम समाज को महज वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ, पर क्या आज इसलिए हम सभी पार्टियों से अलग होना समझदारी होगी? क्या हम मुस्लिम नवाज पार्टी की पुष्ट पनाई करते रहेंगे तो इस वक्त की बड़ी भूल हो सकती है या बड़ा फायदा हो सकता है, इस पर भी तबादले ख्याल होना चाहिए। इल्मी दानिश्वर, उलमा, दीनी रहनुमा, जमातों के जिम्मेदार, गली मोहल्ले की कमेटियां कभी तो इस मसले पर सोच फिक्र करें कि आखिर मुस्लिम माशरे की फलाह बहबूदी के लिए क्या किया जाए। सामाजिक खिदमात तो होती रहती है, सामाजिक खिदमात अंजाम देने वाली तंजीमें भी बहुत सारी हैं, पर आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज को किस दिशा में इकदाम करना होगा, इस पर आज भी सरों को जोड़कर बैठने की तौफीक नहीं होती। इससे अफसोसनाक अलमिया क्या होगा? दीनी रहनुमाओं से पूछो तो हमारे बदअमली का नतीजा कहते हैं, तो कुछ दीनदार लोग मस्जिद में नमाजियों की तादाद बताने लगते हैं। कुछ कमियां, कुछ खामियां जरूर है, गलतियां भी बहुत सारी हो चुकी है। अगर आज भी हम वही पुराने राग को अलापने लगे तो इससे बढ़कर मातम का क्या मकाम होगा? पंचायत चुनाव से लेकर एमपी एमएलए तक हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। नए नए कानून एक समाज को निशाना बनाने के लिए किए जा रहे हैं। जिस समाज को निशाना बनाया जा रहा है उसे भी पता नहीं कि इसके खिलाफ क्या हो रहा है। आज भी जमातों के खिलाफ से ही हमें फुर्सत नहीं। इसकी सोच आज भी इसी छोटे दायरे में गश्त करती रहती है कि जमात के सदर ने ये किया, सेक्रेटरी ने ये गलती की, फला मस्जिद तबलीगी, फला बरेली। इसी पस मंजर में अल्लामा इकबाल ने ये अशार कहे, वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। आज भी पूरी कौम दुनिया परस्ती के नशे में चूर है, इन्हें खबर ही नहीं कि आने वाले दिन क्या आजमाइश लेकर आने वाले हैं। इन्हें पता नहीं क्योंकि इस तरह कभी हमने तवज्जो दिलाई ही नहीं। महदूद दायरे में दीन को समेट कर वही कब्र हशर की बात को ही मुकम्मल दीन जिम्मेदारी समझते रहे। अगर बहुत आगे बढ़ते हैं तो सामाजिक खिदमत के जरिए कौम मिल्लत के खिदमत
और इससे भी आगे बढ़ते हैं तो माशरे में इल्म की कमी होने का रोना रोते हैं। और यह रवैया हमारा काफी पुराना रहा है। मौजूदा हालात, आने वाले दिनों में मुसलमानों का सियासी, सामाजिक, माशी चुनौतियां क्या होंगी, इस पर वक्ती तस्करे होते आए हैं, पर मुस्तकिल कोई मनसूबाबंदी नहीं हुई। तभी तो आज जिस कदर माशरा बिखरा पड़ा हुआ है, इसकी वजह भी यही हो सकती है। हमने सिर्फ रोना सीखा है कि हमारी कौम ऐसी है, हमारा समाज, हमारा माशरा ऐसा है वैसा है। हमेशा जख्म पर तस्करे हुए, कभी मरहम लगाने पर कोशिश नहीं हुई। ऐसा नहीं कि हमारे पास मौका नहीं था, कई मौके मिले। रियासत में हो या मरकजी हुकूमत में, कुछ मुस्लिम कयादतों को वहां तक मौका मिला, पर मुफाद परस्ती और हजार साल जिंदा रहने की तमन्ना और दौलत की ना मिटने वाली प्यास ने कभी अकलीती समाज का मुस्तकबिल संवारने की मामूली कोशिश भी ना की। इसके बरक्स औकाफ की मिल्कियतों को तक बेचकर फाइव स्टार होटलों को खड़ा करने की कोशिश की जाती है। अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल कभी किसी इदारे को या जमात के हवाले करने के बजाय अपने रिश्तेदारों के नाम करोड़ों की जायदाद की गई। एक आध सोसाइटी कौम मिल्लत के नाम पर बनाकर करोड़ों रुपए का घपला, यही हमारे सियासी कायद करते रहे। आखिर आप किस पर भरोसा कर सकते हो? पिछले 70 सालों में हमने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट देना सीखा और इसी के आदि होते गए। आज सब कुछ निकल जाने के बाद यहाँ वहाँ दौड़ धूप करके किसी का तो दामन थामने की कमजोर कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, पर काफी वक्त निकल चुका है। भाजपा ने हर मौकमा पर अपना कंट्रोल करने की बात कही जा रही है, अदालत तक, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पर तक उंगलियां उठाई जा रही है। सहाफी, इल्मी दानिशरों पर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। किसान एहतजाजियों को आतंकी, खालिस्तानी कहा जा रहा है। कहने का मतलब, साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करने से मरकजी हुकूमत नहीं चूक रही। कभी पुलिस थानों में जमातों का दबदबा हुआ करता था, जैसे तैसे भी हो, पर कुछ हद तक इत्तेहाद, मोहब्बत, ईद इजलासों में मिलना जुलना होता था। पिछले 70 सालों में सिवाय पस्ती के हमने कुछ भी हासिल नहीं किया हुआ। इसे कौन जिम्मेदार, इस पर बारहा बहस हो चुकी है। जो भी हो, हम इस माशरे का हिस्सा हैं और इसके अच्छे बुरे का असर हम पर भी पड़ सकता है और हम भी मुतासिर हो सकते हैं। मुस्लिम माशरे को लेकर जहरीले बयानात देने वाले लीडर बहुत हैं। हम इस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत की सियासत ही मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जितना मुस्लिम दलित समाज के खिलाफ जहर उगल दिया जाएगा, उतना ही पार्टी की कामयाबी में इजाफा होता जाएगा। लिहाजा माशरे में किसी तरह इत्तेहाद की कोशिश करें। काम मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं है। सिर्फ एक मीटिंग या इजलास लेकर ये कौम मुत्तहिद नहीं होने वाली। अरसे से जमात मसलों को लेकर हम लड़ते आए हैं, अपनी औलादों को तक हमने एक दूसरे जमात से नफरत के ही सबक सिखाए हैं। खैर, मुझे आज भी उन मौलानाओं, इमामों पर अफसोस होता है कि आपसे इख्तलाफात के बयान जहर कौम के नौजवानों के जहनों में डालते हो। क्या तुम्हें अल्लाह का डर नहीं लगता? क्या तुम अल्लाह के सामने जवाबदेह नहीं हो? आज ऐसे नाम निहाद मौलानाओं ने कौम को हजार टुकड़ों में बांट दिया है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खैर, अब क्या किया जा सकता है, इस पर सोचना होगा। इसका ख्याल हम सबको रखना होगा, क्योंकि भारत आज भी सेक्युलर मुल्क है और हर रियासत के रियासती पार्टियों के साथ मुसलमानों को आगे बढ़ना होगा। अगर कोई मुस्लिम नवाज पार्टी है तो इसे चाहिए कि रियासत की पार्टी के साथ इत्तेहाद के जरिए अपने उम्मीदवार उतारे। कहने का मतलब, अब बाशऊर होकर समाज में अपना किरदार निभाना होगा। अगर खुलकर कहा जाए तो भाजपा मुस्लिम विरोधी कानूनों को नाफिज कर मुस्लिम विरोधी माहौल को फरोग देकर अख्तियार की कुर्सी पर तवील अरसे तक बैठना चाहती है, और हर एक हद तक यह पॉलिसी कामयाब भी नजर आ रही है। ऐसे वक्त में मुसलमानों को अलग पहचान बनाकर सियासी वजूद कायम करने की कोशिश मुसलमानों को नुकसानदेह साबित हो सकती है। वैसे भी पुलिस, इंतजामिया, अदलिया, मीडिया सभी में आरएसएस का तसल्लुत देखा जा सकता है, पर जिस कदर इन्हें कामयाबी हासिल होनी चाहिए अभी नहीं हुई है, अभी भी वक्त है। लिहाजा इसकी दलील हम बिहार चुनाव के मद्देनजर देख सकते हैं। तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना इस बात की दलील है कि अभी भी सेक्युलरिज्म जिंदा है। भाजपा हिंदू राष्ट्र बनने की कोशिश में, पर महंगाई, किसान आंदोलन, अडानी अंबानी के हाथों देश का सौदा होता भारत की आवाम देख रही है। 303 की अक्सरियत देने वाली जनता अब भाजपा या मोदी हुकूमत के झूठे और मक्कारवादों को कुछ हद तक समझने लगे। वही आरएसएस या हिंदुत्ववादी संगठन मोदी को अवतार के रूप में पेश कर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वजीर आजम का लुक भी संतो जैसा बनता जा रहा है। अब जब आवाम भाजपा, आरएसएस या मोदी हुकूमत की तमाम मंसूबों को समझे, मुस्लिम विरोधी नैरेटिव चलाना यही बच सकता है। लिहाजा कोरोना को एक तबलीगी जमात से जोड़ना, एनआरसी, सीएए, राम मंदिर, तीन तलाक, कहने का मतलब धर्म मजहब का ऐसा नशा जिससे अवाम की हकीकत से रूबरू होने की बजाय धर्म आस्था की इर्द गिर्द सोच भटकते रहे, और ऐसे वक्त में मुसलमान अपने आप को अलग करने की बजाय सेक्युलर दलों से नजदीकी अख्तियार करे, सामाजिक खिदमात में पेश आए। मुस्लिम नवाज पार्टियों से वक्ती जज्बात तो भर सकते हैं,
इसी बात से इत्मीनान भी वक्ती तौर पर कर सकते हैं कि हमने 70 सालों से दिगर पार्टियों को वोट देकर आजमाया, अब हमारी पार्टी को देखकर देख लेते हैं। अगर यही सोच अक्सर मुसलमानों की बनने लगे तो जितना नुकसान हमने 70 सालों में अलग अलग पार्टियों को देखकर उठाया है, हो सकता है कि उससे ज्यादा भी हमारा हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों में वैसे भी दुनिया की मोहब्बत घर कर चुकी है। ये कौम पूरी तरह से अंदर से खोखली बन चुकी है, लिहाजा ज़हनी गुलामी से बाहर निकलने के लिए अकलमंदी से काम लेना होगा। गलतियां हुई है पर एक और गलती करना बड़ी कीमत चुकाने का सबब बन सकता है। लिहाजा मुल्क के सेक्युलर ढांचे को बरकरार रखने के लिए दलित पिछड़ा तबका और दिगर पार्टियां जिनका भारत को सेक्युलर रखने में भरोसा है, इनसे मजबूत रब्ता बनाए। ये भी बात सच है कि कौन कब फिरका परस्तों का साथ दे कह नहीं सकते। कल तक जो मुसलमानों के हित की बात करता था, आज भाजपा संघी लोगों की गोद में बैठकर मुस्लिम समाज को खत्म करने की बात करता है। इसके बावजूद भी हमें सेक्युलर पार्टियों का ही साथ देना होगा और दिगर हम वतन लोगों से ताल्लुकात को मजबूत करना होगा, और यही एक आखिरी रास्ता है। वरना जिस कदर हालात करवट ले रहे हैं, हमारा अलग थलग होना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। किसान आंदोलन में जाट मुस्लिम इत्तेहाद की बात हो रही है, पर कुछ लोग 2013 के मुजफ्फरनगर फसाद को याद दिलाकर जाटों ने मुसलमानों पर जो जुल्म ढाया इसकी बात दिलाकर फिर अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना मुसलमानों से नजदीकियां बनाना चाहती है, पर कुछ लोग बाल ठाकरे के मुस्लिम मुखालिफ बयान की याद दिलाकर इनसे क्यों इत्तेहाद करे, इन्होंने मुसलमानों पर जुल्म ढाए हैं। कहा जाता है वही सिखों से इत्तेहाद करने की बात करते हैं तो पुराने खलीज को याद दिलाया जाता है। अगर हम इसी तरह से सभी से अलग होना खसारे का सबब ही हो सकता है। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं पर हकीकत परस्त होना जरूरी है। मुल्क के संविधान आईने हिंद की हिफाजत ना सिर्फ दलित मुसलमानों की बल्कि भारत के हर एक शहरी की है। अगर संविधान बचेगा तो दलित अकलियतों के हुकूक भी महफूज होंगे और इसी की जद्दोजहद जरूरी है। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।